नमस्कार, जनसरोकार मंच टोंक के अशोक जी और अशोक जी सक्सेना व देवेंद्र जी जोशी, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर फेसबुक पर लाइव जोड़कर मुझे अनुग्रहित किया, जिससे मैं अपने विचार और जो मैंने जो पाती लिखी अपने पिताजी को उसको आपके तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूं। मैं संदीप जांगिड़, पुत्र श्री बसंतीलाल जांगिड़, श्री दिगंबर जैन सन्मति सागर उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडाराय सिंह जिला टोंक का छात्र हूं और ग्राम गोपालपुरा तहसील टोडाराय सिंह का निवासी हूं। सभी सदस्य गण, साहित्य के ज्ञाता और श्रोता गण जो मुझे अभी सुन पा रहे हैं, वो सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें और नमस्ते। आज मुझे बेहद खुशी है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं और हमारे उपखंड अधिकारी और टोडाराय सिंह क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करने वाले श्रीमान डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये इस काबिल समझा कि मैं पत्र वाचन कर सकूं और उनका मैं एक पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे यह सुनहरा मौका दिया। साहित्य के बारे में मैं आपसे कुछ बातें पहले कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में अनेक साहित्यिक गतिविधियों का संचालन कराया गया। जो साहित्यिक गतिविधियां हैं जो मैंने अभी तक अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके आधार पर मैं आपसे दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। तो साहित्य की इस अवधारणा से मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिस राष्ट्र में साहित्य का अस्तित्व नहीं है, वो एक इस प्रकार है जैसे एक निर्जीव व्यक्ति है और उसके देह में आत्मा का निवास नहीं है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो हमारे साहित्यिक गतिविधियों के द्वारा कराई गई, जिनमें हमने कहानी लेखन है जिसमें हमने भाग लिया। उसमें जब हमने भाग लिया तो मानो कि उन्होंने हमें बाल कहानीकार बना दिया, और जब वहाँ पर अनेक विद्वान कहानीकार आए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके सामने बैठकर एक बाल कहानीकार बन चुका हूँ। और जब मैं पूर्व कक्षाओं में अपनी कहानियाँ पढ़ा करता था और जो अध्यापक हमें कहानी पढ़ाई करते थे, उनमें जब हमें कहानी के साथ जो कहानीकार के परिचय कराया जाता था, उनसे ऐसा लगता था कि उनकी जो छवि है मेरे मन में बस गई है, और जब मैं उनको सामने देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मैंने जो पूर्व कल्पनाएं की थी जिन कहानीकारों के बारे में, वो वही थे। हालांकि मुझे ये पता नहीं था कि वो कौन है। जब हमें उनसे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू कराया गया तो मेरी जो अनुमान था वो एकदम 100% सही थी, और मैं बहुत खुश था कि मैंने उनको सही पहचाना। इसके बाद में हमारे यहाँ पर कहानी समीक्षा की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें हमें जो कहानीकार थे उनकी जो कहानियाँ थी उनकी समीक्षा करनी थी। तो हम भी बहुत उत्सुक थे कि आज तो हम उनके सामने
उनकी कहानियों की समीक्षा करेंगे और जो उन्होंने साहित्य की बारीकियाँ हमें बताई उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमें इतनी ज्ञान की बातें बताई। पर्यावरण पर प्रश्नोत्तरी कराई गई जिसमें हमें पर्यावरण पर अनेक बातें बताई गई, जैसे पर्यावरण प्रकृति का एक हिस्सा है, तो जिस प्रकार हम प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उसमें संतुलन बनाए रखेंगे तो पर्यावरण अपने आप ही स्वतः ही संतुलित हो जाएगा। अब ये इतनी जानकारी इसलिए प्राप्त हो पाई क्योंकि हमने इन गतिविधियों में भाग लिया। इसके बाद में मैं एक ऐसी प्रतियोगिता बात करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत लुभाती है, उसका नाम है पाती लेखन। पाती लेखन से मुझे लगाव लगभग एक साल पहले हुआ जब यहाँ पर पाती लेखन की प्रथम प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। देखिए सारी प्रतियोगिताएं अपने स्थान पर है लेकिन मुझे पाती लिखना अच्छा लगता है, तो किसी को कहानी लिखना, किसी को निबंध लिखना, किसी को और क्या करना, तो मेरे हिसाब से मैंने तो जो पाती है वो लिखना अच्छा लगता है। अब मैं आपके सामने जो मेरे द्वारा अपने पिताजी को पाती लिखी गई है उसका वाचन करने वाला हूँ। पाती का वाचन कर रहा हूँ मैं। पूजनीय पिताजी, सादे चरण स्पर्श मैं यहाँ सहकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सहकुशल होंगे। आगामी कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आने वाला है लेकिन मैं अपना जन्मदिन आपके कहे अनुसार मनाऊंगा। मुझे पता है जब मैं छोटा था तो मुझे अपना जन्मदिन मनाने का अजीब सा शौक़ था, जैसे तरह तरह की सजावट करना, मोमबत्तियाँ जलाकर उन्हें बुझाना और तरह तरह के व्यंजन खाना। लेकिन मुझे जब इतना ज्ञान नहीं था कि भारतीय संस्कृति में जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, मैं तो बस जिद कर लेता था कि मुझे तो आधुनिक तरीके अर्थात पाश्चात्य तरीके से अपना जन्मदिन मनाना है। लेकिन आपके लाख बार समझाने पर भी मैं नहीं समझता था क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, और अब मुझे आपकी बातें समझ में आती है क्योंकि मैं अब कुछ हद तक बड़ा हो गया हूँ और मैंने अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में भी पढ़ लिया है। तो आपकी वो दो बातें मुझे हमेशा याद रहेगी, जिनमें पहली बात है कि मोमबत्तियाँ जलाकर उनको बुझाने में कोई खुशी की बात नहीं है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि जन्मदिन या खुशी के अवसर पर हमें दीपक जलाकर अंधकार को समाप्त करके प्रकाश की ओर बढ़ना है। हमारे अंदर निहित अंधकार रूपी जड़ता को त्याग कर अपने मन को परोपकार, दूसरों के प्रति आदर की भावना आदि से जगमग कर दो। लेकिन आजकल तो मोमबत्तियाँ बुझाकर लोग अंधकार से प्रकाश से अंधकार की ओर जाना पसंद कर रहे हैं, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। और दूसरी बात थी जो आपने मुझे बचपन में बताई, वो थी कि भारतीय संस्कृति में जन्मदिन पर दान लेने की परंपरा नहीं रही है। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति में जन्मदिन या खुशी के अवसर पर दान देने की परंपरा रही है, लेकिन आजकल तो उपहार रूपी दान को हम ग्रहण कर रहे हैं। और अपने जीवन में यदि जन्मदिन के अवसर पर हम कुछ करना चाहते हैं तो गरीबों में दान करें और आपको उससे बहुत पुण्य मिलेगा, लेकिन आज ऐसा बहुत कम देखा जाता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपके इन अनमोल वचनों को मैं बचपन में नहीं समझ सका, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि जो भारतीय संस्कृति है वो अन्य संस्कृतियों की ही जननी है। मुझे एक बात याद आती है जो मैं आपसे कहना चाहता था, लेकिन आज मौका मिला है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उन वो जो गांव की बातें हैं वो गांव के मुझे पुराने दिन याद आते हैं, जिनको याद करके मैं कभी कभी भावुक भी हो जाता हूँ। मुझे याद है कि जब खेतों में फसल काटने चाची और मम्मी जाती थी तो मैं, राकेश और दुर्गेश भैया भी उनके साथ जाया करते थे।
और वहाँ मम्मी और चाची तो फसल काटने लग जाती थी और हम तीनों पूरे खेत का चक्कर लगाते थे। और जब खेतों को जोता जाता था तो ट्रैक्टर में बैठने का आनंद ही कुछ अलग था। कुछ जगह पर मिट्टी बहुत बारीक थी जहाँ पर लोट पोट करने में बहुत मज़ा आता था। यह भी एक शानदार लम्हा था। और जब घर आते थे तो ऐसी कड़कती धूप पड़ती थी लेकिन उसमें भी खेलते थे, जिनमें मैं तो गिल्ली डंडा, सितोलिया और कंचे सबसे ज़्यादा खेलता था। कंचे तो मैं एक बोतल में भर कर रखता था। आप मम्मी तो कहते थे कि धूप में मत खेलो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे कि जब हम खेलते थे तो हमें धूप का कतई एहसास नहीं होता था। एकमात्र भी तपन हमारे शरीर पर नहीं पड़ती थी। लेकिन यदा कदा जब हम पसीने में भीग जाते थे तो कभी कभार अगर ठंडे पानी से मुंह धो लेते थे तो हल्का सा जुकाम जरूर हो जाता था। इसके बाद में हम तीनों साथ साथ तालाब में नहाने जाया करते थे, लेकिन बस मैं ही था जिसको तैरना नहीं आता था, क्योंकि मुझे आज भी तैरना नहीं आता है। लेकिन अब वहाँ पहले जैसा तालाब नहीं रहा। गांव वालों ने तालाब से काली मिट्टी का खनन करके उसमें उबड़ खाबड़ जगह कर दी है। लेकिन एक काम वहाँ बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ पर तालाब के घाट जो बालाजी का मंदिर है वो पहले सीमित जगह पर था और आने जाने में भक्तों को तकलीफ़ होती थी, लेकिन अभी वहाँ पर बालाजी के मंदिर के परिसर को बढ़ाकर परिसर को चमका दिया है और जगह जगह पानी के केंद्र बना दिए हैं, जिससे आने वाले भक्तों को पानी की असुविधा नहीं होगी। जब शाम होती थी तो हम मंदिर में जाया करते थे। मंदिर में जाकर हम दियाबाती करते थे। वह पल मेरे दिन का सबसे शानदार पल गुजरता था और उस समय मैं बहुत अच्छा महसूस करता था, क्योंकि उस समय में एक ऐसा जादू होता था जो समय कहता था मेरे को कि तू भक्ति में लीन हो जा। इसलिए हम मंदिर में आरती के समय भी जाया करते थे और कभी कभी तो हम झालरी बजा दिया करते थे। और कभी कभी यदि गांव में जागरण होता था तो भजन कीर्तन की जो आवाज़ थी वो पूरे गांव में गूंजती थी और जो भजन कीर्तन का आनंद लेने हम वहाँ पहुँच जाते थे। और जब रात को बिस्तर लगाते थे तो वहाँ भी जल्दी नहीं सोते थे और रात को बिस्तर लगाकर चारपाई बिछाने की जगह केवल एक थी, वो थी नीम के नीचे। नीम के नीचे केवल हम तीनों ही सोया करते थे, क्योंकि वहाँ कृत्रिम हवा की बजाय प्राकृतिक हवा खाने का आनंद ही कुछ और था। और जब सब सुबह उठते थे तो बिस्तर पर नीम के पेड़ की निमोलियाँ गिर जाती थी जो फूट कर शरीर पर चिपक जाती थी। कभी कभी तो अगर ज़्यादा हवा चलती थी तो बिस्तर भी पूरा ख़राब हो जाता था, लेकिन हम वहाँ सोना कभी नहीं छोड़ते थे। उस नीम के पेड़ के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन हम उस पर रस्सी डालकर चूल्हा जुला करते थे। और मैं छोटा था तो ज़्यादा बार मेरा क्रम आता था और मैं झूले पर ज़्यादा धक्के लगवाता था। अक्सर नवरात्रि के दिनों में हम पैदल ही रतवाड़ा गांव के रास्ते से बावड़ी में माँ जल देवी के दर्शन करने जाते थे। वो पैदल जाने का मज़ा कुछ और ही था, हंसी मजाक और झूमते झूमते कब पहुँच जाते थे पता ही नहीं चलता था। वो भी मेरे लिए हमेशा यादगार पल बने रहेंगे। ये अनुभव मुझे जीवन भर गांव की याद दिलाते रहेंगे। इन सबको याद करके मुझे स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वदेशी अपनाने की ललक ज़्यादा है। आजकल स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हमारी संस्कृति मानव को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देती है और आत्मनिर्भरता के साथ जीना सिखाती है। महात्मा गांधी जी जो स्वयं द्वारा निर्मित वस्त्र ही पहनते थे और सभी को भी इसकी प्रेरणा ही देते थे। अब मैंने कहीं पर जो स्वदेशी है उसको अपनाने के कुछ फ़ायदे पड़े हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला फ़ायदा ये था कि स्वदेशी अपनाने से भारत में बेरोज़गारी की समस्या कम हो सकती है, क्योंकि विदेशी कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियाँ अधिक श्रमशील होती है। यदि हम दूसरी बात यह है, यदि हम स्वदेशी अपनाते हैं
तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिससे यदि कभी भी हमारे राष्ट्र में संकटकालीन परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो हम उसका डटकर सामना कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो देश भारत में अपना सामान बेचकर बहुत मुनाफा कमाते हैं, वो देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर देते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जो कि चीन है, जो अपना सामान भारत में बेचकर अरबों रुपयों का लाभ कमाता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करता है। इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए उसके सामानों का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा भारत तो पहले जैसा बने जब वह विश्व गुरु कहलाता था और वह अन्य देशों का मार्गदर्शन करके समूचे विश्व के कल्याण की कामना करता था। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बचपन में ये सारी अनमोल बातें बताई, मुख्यतः भारतीय संस्कृति के बारे में, जिससे मेरे अंदर भारतीय संस्कृति की छवि बस गई है। आपका आशीर्वाद यदि मेरे ऊपर है तो मैं अपनी संस्कृति का परिचय जन जन से करवाने का प्रयत्न करूँगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र संदीप। ये थी पाती जो मैंने अपने पिताजी को लिखी थी। और मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में हम जो पाती लिखने की विधा है उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के लिए सोशल मीडिया के ज़माने में कभी कभी हम जो हमारे प्राचीन काल की विधा पाती लेखन है उसका भी जिक्र कर लिया करें, क्योंकि इस प्रकार की जो साहित्यिक गतिविधियाँ होती है, इस साहित्यिक गतिविधियाँ में मेरे अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि जो एक विद्यार्थी जीवन है उसमें जो साहित्यिक गतिविधियाँ हैं उनका क्या महत्व होता है। देखिए, किताबी ज्ञान अपनी जगह है और व्यवहारिक ज्ञान अपनी जगह है। अगर आप किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के बीच में संतुलन बनाए रखोगे तो आप एक आदर्श मानव की श्रेणी में आ सकते हो, क्योंकि किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए व्यवहारिक ज्ञान है। जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमें समाज में जीने का तरीका सिखाता है। जैसे आप किस प्रकार से समाज में बोलचाल करते हो, आपके रहने का ढंग कैसा है, आप दूसरे के प्रति कैसी संभावना रखते हैं। अभी इसका मैं उदाहरण आपसे दे सकता हूँ कि जो देश की जो बड़ी परीक्षा है UPSC की, उनमें अगर हम किताबी ज्ञान के आधार पर हम पद तो संभाल सकते हैं, लेकिन पद का संचालन हम किस प्रकार कर सकते हैं उसके लिए हमें व्यावहारिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई किसी भी वर्ग से क्यों ना हो वो पाती लेखन कर सकता है। इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो कीमती वक्त देकर मुझे सुनने की जो आस लगाई है वो आपने पूरी की, और मैं आपसे पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपनी जो पाती लिखने की जो मुहिम है उसको इसी प्रकार जारी रखें। धन्यवाद। वह प्रतियोगिता जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो मुझे बहुत लुभाती है, वो प्रतियोगिता है पाती लेखन। अब ये प्रतियोगिता इतनी इसलिए खास है क्योंकि अब पहली बात तो मैं ये है कि ये कहना चाहता हूँ कि जो सभी प्रतियोगिताएँ थी वो सभी सर्वश्रेष्ठ रही, लेकिन एक मानव स्वभाव है कि आपको कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं में से भी कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु लगती है। जैसे आप कहीं पे दुकान पे जाते हो तो आपको सभी चीज़ें पसंद आती है, लेकिन सभी चीज़ें अच्छी है लेकिन आपको उनमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पसंद लगती है। उसी प्रकार इन सभी गतिविधियों में से मुझे पाती लेखन एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसकी तरफ मेरा झुकाव बहुत अधिक है। पाती लेखन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बात अगर मैं किसी से दूरभाष पर वार्तालाप करूँ तो जो वार्तालाप अगर मैं दूरभाष पर जो बातें नहीं कह सकता हूँ वो बातें मैं पाती लेखन के जरिए ज़रूर कह सकता हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो आप प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने नहीं कह सकते हैं, वो आप किसी का लिखित रूप से आप उसको दे सकते हैं। तो मैं मेरे अनुभव के आधार बता सकता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात दूरभाष पर नहीं कह सकता, लेकिन मैं अगर पाती लिखूँ उसकी चीज़ की तो मैं उस अपनी जो भाषा है उसका जिक्र उसमें कर सकता हूँ। एक बात और कि जब हमारे यहाँ पर जो साहित्यिक गतिविधियाँ कराई गई थी तो जब ये
ज़्यादा समय नहीं था, मतलब एक प्रतियोगिता हुई तो उसके बीच में 5-7-6 दिन का लगभग गैप होता था और उसके बाद में कोई दूसरी प्रतियोगिता कराई जाती थी। तो बार बार इनमें भाग लेने पर कुछ मेरे सहपाठी थे जो ऐसे भी कह दिया करते थे कि बार बार इन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। अब मुझे भी कहा गया कि तू भी बार बार इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो भाई अगर इन प्रतियोगिता में हम हिस्सा नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। तब मुझे मन में एक बात लगी कि ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है कि अगर मैं इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लूँगा तो क्या होगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक शंका थी। मैंने घर गया और अपने पिताजी से वार्तालाप किया और उनको बोला कि इस प्रकार की जो परिस्थिति है उसमें मैं क्या करूँ। तो बस उन्होंने एक ही बात कही कि अगर भले ही कोई इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले, लेकिन तुम तो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहो और जो तुम्हें बातें वहाँ पर बताई जाए उनको अपने जीवन में उतारो, उनको ग्रहण करो और जो भी सीखने को मिले उनको वहाँ पर सीखो। तब मुझे पता चल गया कि इन प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं आप उनमें हिस्सा लेकर इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएं। एक दिन जब मैं अपने विद्यालय में श्री दिगंबर जैन सन्मति सागर विद्यालय में अपनी जो मार्कशीट लेने आया था तो जो यहाँ के हमारे प्रधानाचार्य जी हैं श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जैन, उन्होंने बस एक ही बात कही थी। जब मैं हमारे कुछ थोड़ा समय बीता है हमारे पाती प्रतियोगिता कराई गई थी, उसका नाम था प्रकृति की पाती मानव के नाम, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था। तो फिर मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझे उनके पास बुलाया और एक ही बात कही कि अब ये चीज़ तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है कि तुम इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लो या ना लो। उन्होंने बस यही कहा कि तुम्हारे ऊपर इस चीज़ का कोई दबाव नहीं है, तुम चाहो तो इनमें हिस्सा ले सकते हो और तुम ना चाहो तो इनमें हिस्सा ना ले सकते हो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस प्रकार के जो वाक्यांश कहे, क्योंकि अपनी जो स्वेच्छा है वो स्वेच्छा किसी की जो दूसरे की भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचा सकती। जो अपने जो मन कहता है वो करो और इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उनमें भाग लेते रहो। और मैं पुनः हमारे विद्यालय के जो अध्यापक है उनसे उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई साहित्यिक गतिविधियाँ कराई जाती थी तो वो इस प्रकार से हमें समझाते थे कि हम अगर कोई इतनी शानदार बात नहीं होती थी तो भी हमें ऐसा लगता था कि हमें इनमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि हम हो जाते इतने उत्साहित थे। तो उनको समझाने का जो तरीका था गतिविधियों के बारे में, तो अगर जो अध्यापक हमारे गुरुजन मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रकार के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद, नमस्ते।